फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का क्वेश्चन गेट 2018 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 2 में पूछा गया है. आइए देखते हैं क्या इसमें सवाल है. द ड्रेस डैश हर सो वेल दैट दे ऑल इमीडिएटली डैश हर ऑन हर अपीयरेंस. अब थोड़ा बहुत भी इसको अगर हम समझ पा रहे हैं तो इससे पता लग रहा है कि ये कुछ तारीफों की बात चल रही है. अब ऑप्शंस जब आगे पढ़ा जाए तो फिर हम उन्हीं में अटक गए कि सेम ऑप्शंस हैं जिनकी स्पेलिंग्स में सिर्फ खेला जा रहा है हमारे साथ. तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो वोकैबुलरी सही में स्ट्रांग हो जो कि डिक्शनरी से आएगी, और अब एग्जाम में तो बैठ ही गए हैं तो और क्वेश्चन भी हमें बनाना ही है, तो अब ट्रिक कैसे याद करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. अब हम एक चीज याद करते हैं ऐसे जस्ट फॉर द फन फैक्ट कि किसी की तारीफ करते तो हम बोलते हैं आई शपथ आई ला. तो आप नोटिस कर रहे हैं आई बहुत आ रहा है. आई यहाँ पे माँ नहीं, आई यहाँ पे आप अल्फाबेट सोचिए. तो जिस अल्फाबेट आई, जिस कॉम्प्लीमेंट में वो आई आता है दैट इज तारीफ, और जिसमें ई आता है वो कुछ और है, उसका मतलब हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे वो आई वाला कहाँ फिट हो रहा है वो देखते हैं. द ड्रेस डैश हर सो वेल. ड्रेस अपने आप तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, ड्रेस थोड़ी कहती है आई ला आई शपथ, वो तो हम लोग होते हैं ना किसी को कहने वाले. तो यहाँ पे वो आई वाला नहीं आएगा. आगे है दे ऑल इमीडिएटली डैश हर ऑन हर अपीयरेंस. दे मतलब लोगों की बात हो रही है. दे कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर अपीयरेंस मतलब यहाँ पे वो आई वाला फिट होगा क्योंकि लोगों ने कहा होगा आई ला आई शपथ क्या लग रही है. तो आई वाला यहाँ पर आ जाएगा. और दूसरा जो सी ओ एम पी एल ई होता है दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर होता है जो किसी को सपोर्ट करके और अच्छा बेहतर बना रहा होता है. वो ई एल ई जो होता है वो फिट आएगा फर्स्ट वाले में. ड्रेस एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ावा दे रही है. तो कॉम्प्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड, तो इसका सही ऑप्शन है डी.